रैप अगर करता ना ये वाला पार्ट होता, इधर इतना ज्यादा पैनल है ना, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है बाइक सर्विस कराने के लिए, क्योंकि अभी जो टी वी एस साउथ चैप्टर जो राइड आ रहा है 19, 20, 21 को, सो फॉर दैट एक जनरल सर्विस मैं चाह रहा था कि हो जाए बाइक का जाने से पहले। तो सर्विस सेंटर में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ये कैसे, हैप्पी बर्थडे। चलो तो अपने भाई बंधु सारे ज्वाइन कर चुके हैं एंड सर्विस सेंटर इकट्ठे जाओ तो थोड़ा सा टाइम पता नहीं लगता है, क्योंकि बाइक सर्विसिंग में तो टाइम लगता ही है। और कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज था तो वो चीज़ सही कराएंगे। और मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था एक्चुअली, ये राइट साइड के जो पैनल है उसमें से कहीं से आवाज़ आ रहा है, डोंट नो कहाँ से आ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया ये सब बोल्ट वोल्ट राइट करने का, बट हुआ नहीं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू सर्विस सेंटर और जो भी चेन ल्यूब और बाकी सारी चीज़ें रहेंगे वो सब करवा लेंगे। और जो राइड है बेसिकली टी वी साउथ चैप्टर का, दैट विल बी ऑन 19, 20 एंड 21। तो राइड का लोकेशन है वो है कुर के पास में, एक रिजॉर्ट है, आई विल नॉट टेल यू द रिजॉर्ट नेम बिकॉज उसको थोड़ा सा सस्पेंस में ही रखते हैं। और जो बाकी राइडर्स कितने आ रहे हैं, आई होप सो बैंगलोर से अराउंड 20 to 25 फ्रॉम टी वी एस ए ओ जी ग्रुप एंड बाकी पूरा साउथ चैप्टर है तो केरला, तमिलनाडु एंड मे बी आई थिंक सो आंध्रा, तो वहाँ से मतलब सारे लोग आएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द काउंट राइट नाउ क्योंकि वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशन हुई हैं टी वी एस साउथ चैप्टर की राइड के लिए। लोकेशन बहुत सही रहेगा, टेंट स्टे है, वुडन स्टे है और बहुत सारे अमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और प्रोबेबली ऑन कमिंग 2 weeks आई विल बी अपलोडिंग दैट व्लॉग एज वेल। क्योंकि तो अभी जल्दी फटाफट से निकलते हैं सर्विस सेंटर, बस यहाँ पास में ही है, आने वाला है सर्विस सेंटर और वहाँ पे अपने को ज्वाइन करेंगे जेडी भाई। और कोई आ रहा है आई थिंक, और कोई तो नहीं आ रहा है, बट जो भी है बाइक का एक जनरल चेकअप ज़रूरी है कभी भी लॉन्ग राइड पे जाओ, एंड स्पेशली जब 500-600 किलोमीटर्स का राइड रहेगा। वैसे ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 250 किलोमीटर्स का कुछ है राइड, तो एक चेन ल्यूब कैरी करना एंड वन पंचर किट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, उसके ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं रहेगा। तो सर्विस सेंटर आ चुका है, अभी फटाक से बाइक दे देते हैं सर्विस के लिए, जो भी इशू है वो बता देते हैं और देन उसके बाद में सो दिस इज़ टी वी एस प्रकृति। काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ पे है टी वी एस प्रकृति, इज़ इन गंगानगर और अच्छा सर्विस करते हैं, यू कैन कम ओवर। हाय 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 हाय, चमक बाइक की। और शशि भाई और कैसे हो? बस बढ़िया। तो अभी शशि भाई अपने चला के देखेंगे बाइक को और उसके बाद देखेंगे क्या क्या इशू आ रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देंगे और बाइक हो जाएगी ऑल सेट फॉर द साउथ चैप्टर राइड। नहीं नहीं, रैप से ना वो फिनिश नहीं आ पाता, तो मैंने बोला ठीक है पेंट मार दे। रैप अगर करता ना ये वाला पार्ट होता, इधर इतना ज़्यादा पैनल है ना। ऑलराइट, सो अभी बाइक का सर्विसिंग चल रहा है, बस होने वाला है और लुक्स लाइक कि जो आवाज़ आ रहा था इधर हैंडल के कहीं से आ रहा था शायद,
बट अभी एक बार और दोबारा से चला के देखेंगे, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, बाकी फिर जो चेन ल्यूबिंग एंड ऑल वो होने के बाद में एकदम चकाचक हो जाएगी बाइक। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही राउंड लेके देख रहा हूँ सही हो गया कि नहीं। हो गया हो गया, आगे से टर्न है ना, ठीक है अभी हो गया। बाइक एकदम क्लासी, बिल्कुल आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं, वाइब्रेशन कुछ नहीं, एकदम मस्त वाला बाइक चल रहा है, स्मूथ एकदम, बस यही चाहिए था। तो जनरल सर्विस अपनी हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बाद आई डोंट थिंक सो और कुछ रहता है, थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन के लिए है साउथ चैप्टर की राइड में उसको एक चीज़ और करा लेते हैं जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का करना है। आ जाओ मस्त हो गया, बहुत सही। ऑलराइट, तो अभी अपना बाइक का सर्विस हो चुका है, सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने चेंज करवानी थी, विच इज़ बेसिकली और अरे तो बंद है, अरे भाई जाने वाले थे क्या, इस वाले का बोल रहा था मैं। अच्छा लग रहा है ना, एक ट्रांसपेरेंट वाला ना ये इनके स्टिकर्स के ऊपर मारना, ठीक है थोड़ा सा क्लीन करके दोनों साइड में करना रहेगा, और ये ऐसा वाला प्रिंट करना है, देखो वो जो DOHC लिखा हुआ ना, ये DOHC और एक RT स्लिपर क्लच करके रहता है, आर्टी स्लिपर क्लच, ये दोनों यहाँ पे लगाना है, ठीक है ज़्यादा नहीं इतना, छोटे छोटे ठीक है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो /wicked rider official इधर साइड में, और यहाँ पे YouTube/wicked rider, ठीक है ये दो चीज़ें करनी है और अपना ये, हाँ और अच्छा वो मेरे पास एक स्टिकर है ना वो चिपकाना जो TVS वाला है उसके ऊपर रैप करना रहेगा, वो बताया था ना मैं आपको थोड़ा सा, ये एक्चुअली ब्लैक है भाई, हाँ वो सिल्वर में रैप करके ब्लैक करके जाना, हाँ सिल्वर करने का, ओके ब्लैक है ऑलरेडी, चले हाँ ऑलराइट। तो अभी अपना सारा काम हो गया बाइक का, और ये देखो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर में ये जो TVS का ब्रांड है वो भी करवा लिया, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक ये हॉर्स वाला जो TVS का लोगो है वो करवा दिया, यहाँ पे यूट्यूब विकेट राइडर और इंस्टाग्राम विकेट राइडर ऑफिशियल, सो ऑल सेट, और यहाँ पे DOHC और RT स्लीपर क्लच जो इसमें RR 310 में आता है वो सारा करवा दिया। सो अभी चलते हैं सीधे घर और देन काम तो सारा हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो TVS रेसिंग बेंगलोर, तो अभी जितना भी बाइक का काम था सारा हो चुका है, और आज के लिए बहुत 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 टाइम हो गया यार, 3:06 हो चुका है एंड आई थिंक आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट द TVS साउथ चैप्टर राइड, और आपको जो भी चीज़ रहेगी सारी अपडेट स्टोरीज पे आती रहेगी इंस्टाग्राम में, तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑल्सो विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।